नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की प्रथम पुण्यतिथि पर मशहूर भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने प्रस्तुति दी। आपको बता दें, भोपाल राजधानी के रविंद्र भवन में पूर्व सांसद व मध्य प्रदेश भाजपा के संस्थापक सदस्य स्वर्गीय कैलाश सारंग की पहली पुण्यतिथि पर भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें मशहूर भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने भजनों की प्रस्तुति दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी मंच पर कर भजन गाए, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ मां गीत गाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग के बेटे व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय कैलाश सारंग के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सेवा संकल्प को आगे बढ़ाने का जो सराहनीय कार्य किया है, उनके इस संकल्प में भी उनके साथ हूँ। कार्यक्रम में हिंदू दर्शन शोध संस्थान और कैलाश प्रसून सारंग डायग्नोस्टिक सेंटर का ऑनलाइन भूमि पूजन किया। इसके पहले ही सदा व्रत चलता है, भाई साहब प्रारंभ करके गए थे, वृद्धाश्रम चलता है, नर सेवा नारायण सेवा, इस संकल्प को आप साकार कर रहे हो और सचमुच में यही श्रद्धेय सारंग जी के चरणों में असली श्रद्धांजलि है। इन कामों को आप करते रहो, पूरा हमारा परिवार बड़ा परिवार है और विश्वास के साथ साथ विवेक भी है, बेबी पप्पी हमारी तीनों बहनें भी है, पूरा परिवार है। हम सबको सचमुच में उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना, तो उनके अच्छे कामों को हम आगे बढ़ाएं। योग्य मंत्री हो ये मैं पूरे विश्वास के साथ इसलिए कहता हूं कि हर संकट के समय जब मुझे किसी को भेजना होता है तो मैं विश्वास को कहता हूं जाओ संभालो इसके, सचमुच में यही श्रद्धांजलि। और इसलिए इस अवसर पर इन अच्छे कामों को आगे बढ़ाने केवल तुम बढ़ाओ ये नहीं कहूंगा, हम भी साथ। आपको बता दें, मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय कैलाश सारंग मेरे गुरु के साथ ही कई क्षणों पर मेरे दोस्त भी रहे हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कायस्थ समाज को संगठित कर हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य किया। माता पिता की स्मृति में सेवा कार्य सदा जारी रहेगा, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य सुरेश सोनी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, आनंद धाम पीठी वृंदावन कृतेश्वर आचार महामंडलेश्वर श्री पहनाव शरण देवाचार महाराज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग की स्मृति में 21 नवंबर तक कार्यक्रम चलेंगे। अशोका गार्डन में सोमवार को अन्न क्षेत्र का शुभारंभ भी किया जाएगा। 16 नवंबर मंगलवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन दशहरा मैदान एकतापुरी में रखा गया है। वहीं 19 से 21 नवंबर तक नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए